कश्मीर में 4 आतंकी ढेर, श्रीनगर में 10 किलो की आईडी के साथ 3 आतंकी गिरफ्तार, धमाके का षड्यंत्र नाकाम। राज्य की मांग को लेकर सड़कों पर उतरा लद्दाख, लेह कारगिल में भी हो रहे हैं प्रदर्शन। श्रीनगर ले राजमार्ग पर यातायात की आवाजाही को किया गया शुरू, मंगलवार को सोजिला के पास ताजा बर्फबारी के बाद किया गया था निलंबित। वुलर झील में नौका पलटने से 3 लोग डूबे, 2 की मुश्किल से बचाया, 1 लापता। आम आदमी पार्टी के स्टेट स्पोक्स पर्सन गगन प्रताप की तरफ से की गई प्रेस वार्ता, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एग्जाम को बताया स्कैम। विजिलेंस अवेयरनेस वीक के तहत पावर ग्रिड द्वारा वॉकथन का किया गया आयोजन। भाजपा की कश्मीरी डिसेबल डिस्ट्रिक्ट के डेलीगेशंस ने डिवकॉम के साथ की मुलाकात, राशन की समस्या और अन्य मुद्दों पर की बात। सांबा में तेज रफ्तार मेटाडोर ने 2 पहिया वाहनों को लिया चपेट में, पुलिस ने मामला दर्ज की कार्रवाई शुरू। जम्मू कश्मीर में ड्रोन से हथियार गिराने के केस में एक और पकड़ा, आरोपियों से करवाया गया क्राइम सीन रिक्रिएट। जम्मू वेस्ट से सुनील डिंपल ने भी लद्दाख बंद कॉल के समर्थन में निकाली विरोध रैली, डिंपल ने महाराजा हरि सिंह, जम्मू कश्मीर राज्य विशेष दर्जा और अन्य मांगों को लेकर की नारेबाजी। इस्लामिक ग्लोबल स्कूल ने टैगोर हॉल श्रीनगर में मनाया अपना वार्षिक दिवस, समारोह में कई छात्रों और अभिभावकों ने लिया भाग। अहमदाबाद के लिए जम्मू से नई फ्लाइट शुरू, सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी सेवा। मीरवाइज को मुख्यधारा की सियासत से जोड़ने की तैयारी, श्रीनगर के पूर्व डिप्टी मेयर बोले उम्मीद है मान जाएंगे। भारत में 24 घंटों में आए 1190 कोरोना के नए मामले, सक्रिय मामले घटकर 16,223। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्ण अनुमान, सर्दी के लिए लोगों को करना होगा थोड़ा और इंतजार। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, मोरबी हादसे को लेकर पीएम मोदी पर बोला तीखा हमला। पायलट का गहलोत पर वार, कहा पीएम मोदी कर चुके हैं गुलाम नबी आजाद की भी तारीफ, बाद में जो हुआ सबने देखा। विराट कोहली ने तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बने भारतीय बल्लेबाज।